हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो लोग सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्विज में कैसे लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से वो अपना ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं जिससे उनके स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बहुत ईजी है यहाँ पर आपको अपना क्विज बनाना, आप अपने नेम से अपना क्विज बना सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। जो यहाँ पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना क्विज को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर गूगल आप देख रहे होंगे, तो गूगल पर हमें सर्च करना है मेंटीमीटर क्विज। देखो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी ये सर्च में था इसलिए यहां पर आ जाएगा मेंटीमीटर क्विज। तो मैं मेंटीमीटर क्विज पे यहां पर चला गया। मेंटीमीटर क्विज में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों, टीचर्स, यहां पर वो है क्विज योर ऑडियंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां पर हम इस पे चले जाएंगे फर्स्ट वाले, यहां पर मेरे पास है योर प्रेजेंटेशन। तो इस योर प्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ है, मेरी कुछ प्रेजेंटेशन है। तो पहले मैं एक बार इस प्रेजेंटेशन को देख लेता हूं, फिर इसको लॉग आउट करके मैं आपको दिखाऊंगा हम किस तरीके से साइन अप करके अपने क्विज को बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्विज था तो मैं यहां से इसको लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि किस तरीके से हम करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लॉग इन का और एक है साइन अप का। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे, ये ऊपर ओके टॉप पर दिखाई देगा, राइट टॉप पर। तो यहां पर हमारे पास साइन अप, ओके अगर सभी लोग नए हैं तो यहां पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी मेंटीमीटर पर, अगर आपने ऑलरेडी मेंटीमीटर पर अगर आप है तो लॉग इन करना पड़ेगा, ओके। ज्यादातर लोगों को यहां पे साइन अप ही करना है क्योंकि हर किसी का है नहीं, तभी तो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। तो यहां पर आप अपना ईमेल लिखेंगे, ठीक है, मैं अपना ईमेल लिख देता हूं यहां पे, जो भी आपका ईमेल है आपको ईमेल लिखना है CSYASIR, ठीक है, 94@gmail.com, ये मैंने अपना ईमेल यहां पर डाल दिया है। उसके बाद यहां पे कह रहा है अपना पासवर्ड सिलेक्ट करिए, तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड डाल देता हूं कि जो भी मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने यहां पे फिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे नाम पूछा जा रहा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में मैं अपना नाम डाल दूंगा, यासिर अली, मैंने यहां पे डाल दिया। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी हो गई। फिर यहां पे ऑप्शन आ रहा है साइन अप का, तो मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक करा। तो मैंने यहां पे जैसे ही साइन अप करूंगा तो मेरे पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर वेयर विल यूज मेंटीमीटर, ओके, वर्क, एजुकेशन, अदर, तो मैंने एजुकेशन पे कर दिया, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेटर, टीचर, स्टूडेंट, तो भाई मैंने यहां पे एजुकेटर पे कर दिया, टीचर पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंगेजमेंट, इसमें से आप चाहो तो सारे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो सारे सिलेक्ट कर लिए, कोई एक सिलेक्ट कर लिया आपने। यहां पे सेव सिलेक्शंस, अब यहां पर हमारे पास मेंटी, चूज अ प्लान, आपको कौन सा प्लान करना है, आप फ्री मोड में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इसको यूज करना सीख रहे हो तो आप यहां पे फ्री वाले प्लान में जा सकते हो। उसके बाद यहां पे हमारे पास एक बेसिक और एक प्रो प्लान है, तो आप बेसिक प्लान भी ले सकते हो, प्रो प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसकी कॉस्ट आपको जो दे रखी है वो आपको सामने नजर आ रही है, क्या कॉस्ट है, ओके। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब फ्री में आपको दिया जा रहा है तो फ्री में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर कोई फ्री में देगा तो कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होंगी ही, सारी चीजें हमें नहीं मिल सकती फ्री में। तो देखते हैं फ्री वाले में हमें क्या, कंटिन्यू विद फ्री, तो हमने कंटिन्यू विद फ्री कर दिया। तो यहां पर हमारे पास इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अब इसको हम यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल का बटन आ रहा है, ये यहां पे कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दिया हमने। यहां पर आ रहा है न्यू प्रेजेंटेशन, अब हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना है, तो न्यू प्रेजेंटेशन पे हमने क्लिक कर दिया, ये न्यू प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी, न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब न्यू प्रेजेंटेशन यहां पर ओपन होगी, तो किस तरीके से हम क्विज मेंटेन, किस तरीके से क्विज को बनाएंगे, तो यहां पर हमारे पास ये आ रहा है चूज अ स्लाइड फाइल, ठीक है, यहां पे मुझे रहा है चूज अ स्लाइड फाइल। तो मैंने क्या करा, यहां पर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वर्ड क्लाउड है, ओपन एंडेड है, स्केल्स है, रैंकिंग है, क्वेश्चन एंड आंसर है, यहां पे मैंने सिलेक्ट कर लिया क्विज कंपटीशन, तो मैंने क्विज कंपटीशन पे क्लिक कर लिया। अब क्विज कंपटीशन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहां पर मेरे पास आपको देख रहा होगा, यहां पे मेरे पास आ गया योर क्वेश्चन। तो मुझे जो भी क्वेश्चन यहां पे देना है, मुझे यहां पे क्वेश्चन देना है, मान लेते हैं ओके, मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप, ठीक है। मैंने एक ये क्वेश्चन यहां पे फिल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में हमने डाल दिया 2, डाल दिया हमने, डाल दिया 3, हमने डाल दिया 7, हमने डाल दिया यहां पे एक और, ओके, 3 ऑप्शन देगा, लेकिन हम ऐड अदर में चले जाएंगे तो हमारे पास और ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देखो यहां पे आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे मैंने फोर्थ ऑप्शन में मैंने डाल दिया है, मान लेते हैं 5, ठीक है। अब यहां पे हमने ये सारे के सारे ऑप्शन यहां पे
फिल कर दिए। अब देखिएगा बेटा यहां पर हमारे पास क्या है, अब देखिए व्यूअर्स यहां पर होगा क्या, बेसिकली मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप कितने मिनिमम है। अब जितना जो भी हमारा करेक्ट आंसर है, तो मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, दो। तो जो हमारे पास दो है, ये दो के आगे जो हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन, तो इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब यह है कि जो ग्रीन आ रहा है, जो ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट आंसर है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके पास टू पे ग्रीन टिक हो रहा है, बाकी 3, 7, 5 पे क्रॉस टिक है। इसका मतलब करेक्ट कौन सा है हमारे पास, करेक्ट है हमारे पास कौन सा, टू, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम यहां पर अपना मेंटीमीटर के उसको बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दूसरा सेकंड पे लीडर बोर्ड है। अब यहां पर मेरे पास ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है, ओके। या तो लीडर बोर्ड का मतलब ये है, या तो हर एक क्वेश्चन के बाद आप लीडर बोर्ड शो करो अपने ऑडियंस को, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम अपने ऑडियंस को लीडर बोर्ड हर क्वेश्चन के बाद नहीं शो करना चाहते, ठीक है, हम बिल्कुल एंड में करना चाहते हैं, तो लीडर बोर्ड पे यहां पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो या पहले क्वेश्चन पे आ गए तो पहले क्वेश्चन के बॉटम पे जाएंगे, नीचे करेंगे, तो यहां पे आएगा हमारे पास रिमूव लीडर बोर्ड। तो यहां से हम लीडर बोर्ड को क्या करेंगे, रिमूव। जैसे ही मैं रिमूव करूंगा, देखो लीडर बोर्ड ये 2 जो नजर आ रहा है आपको यहां पे लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, ओके। तो यहां पर देख सकते हैं आप, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये यहां से चला गया। अब यहां से आप अपने ऑडियंस के लिए टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको उसको कितने टाइम देना है को आंसर करने के लिए, ओके। यहां से आप देख सकते हैं ये 20 सेकंड है, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, ओके। फास्टर करेक्ट आंसर गेट मोर पॉइंट, जो सबसे तेज आंसर करेगा उसी को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना, तो आप एड स्लाइड पे चले गए, तो आपने फिर से यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में सिलेक्ट क्विज पे करा, यहां पर क्वेश्चन आपने डाला, ठीक है, तो ऑप्शंस आ गए, 3 ही ऑप्शन है, एड अदर ऑप्शन करा तो आपके पास चौथा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है, ओके, यहां पे क्लिक करना है इस पर, तो वो टिक आपका आ जाएगा। और जब आपके ये क्वेश्चंस प्रेजेंट हो जाएं, और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आप लोग फ्री वाले जो आपका मेंटीमीटर है उसमें 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है, 5 क्वेश्चन। अगर आपको इसका बेसिक प्रो प्लान लेना है तो आप उसमें कितने भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको परचेस करना क्या है, और अगर आप अपने ऑडियंस को ये शो करना चाहते हो, ठीक है, अपने ऑडियंस को आप शो करना चाहते हो, तो आपने यहां पर आपको राइट टॉप पर आपको एक प्रेजेंट वाला कॉलम दिख रहा होगा, तो आपने इसको कर दिया प्रेजेंट, ठीक है, आपने कर दिया प्रेजेंट। अब यहां पर प्रेजेंट हो गया, अब आपको क्या बताना है, अपनी ऑडियंस को आपको बताना है कि भाई आप लोग विजिट करो www.menti.com पर, ऊपर नजर आ रहे हैं, गो टू www.menti.com, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि www.menti.com पर जाना है एंड कोड यूज करना है। तो आप उनसे बोलिएगा कि आप गूगल ब्राउजर में चले जाइए, ब्राउजर में चले जाइए, menti.com सर्च करें, तो देखो menti.com से ऐसा आपको कुछ स्क्रीन नजर आएगी menti.com पर, ठीक है, ओके, हो सकता है आपको नजर ना आ रही हो, देखो देख लो, ओके, चेक कर सकते हैं आप लोग, नजर आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यहां पर menti.com पे जब आप जाएंगे तो यहां पे आपसे मांगेगा प्लीज एंटर द कोड, तो हमारे पास कोड है 9999675562, तो मैंने यहां पे सबमिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सबमिट करा यहां पर, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, मैं आपको शो करना चाहता हूं, ठीक है, नाम के लिए कि भाई आप अपना नाम एंटर करो कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो नाम मैं एंटर कर दूंगा, मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, मैंने नाम एंटर कर दिया यासर, ठीक है। अब मैंने ज्वाइन कुछ कर दिया, अब जैसे ही मैंने ज्वाइन कुछ करा तो यहां पे आ रहा है कि भाई आप गेट रेडी रहो, ठीक है, ओके, गेट रेडी टू प्ले। अब यहां पे स्टार्ट काउंटडाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने स्टार्ट काउंटडाउन पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट काउंटडाउन करते ही मेरे पास आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, तो यहां पर मेरे पास अब आ गया क्वेश्चन, ठीक है, लुक एट योर फोन सिलेक्ट आंसर। तो हालांकि मेरे पास एक कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, क्योंकि दो ही क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, फिर नो रिजल्ट येट। अब हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, उस पर भी आ सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अब यहां पर हमने एंटर करा आंसर गेट टू फास्ट मोर पॉइंट्स, ठीक है, तो यहां पर मिनिमम पार्टनर्स, देखो यहां पर आ रहा है क्वेश्चन, आपको देख सकते हैं, ओके, मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, तो मैंने यहां पे कर दिया 2, तो अब मैंने जैसे ही 2 करा, यहां पर एक ऑडियंस आपको दिखा रहा है, देखो एक कनेक्ट है, क्योंकि मैंने एक ही लिया था और एक ने आंसर दिया 2, तो इसका मतलब वही करेक्ट है, तो यहां पे ये रिजल्ट शो करेगा कि आपने 2 आंसर था और कितने लोगों ने करा, एक आदमी ने करा, तो इसका मतलब यहां पर एक बच्चा करेक्ट है, बाकी किसी ने कुछ और पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि ऑडियंस आपकी सिर्फ एक थी, आपको यहां पर राइट कॉर्नर में, आपको राइट कॉर्नर में बॉटम पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके, के 1 ने जॉइन किया, तो करेक्ट आंसर ये दिखा रहा है। अब हम अगर लीडर बोर्ड की तरफ जाएंगे तो देखो लीडर बोर्ड हमें क्या शो करेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ था ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था लीडर बोर्ड। अब देखो लीडर बोर्ड में कौन लीड कर रहा है, लीडर बोर्ड में जो हमारा लीड कर रहा होगा उसी का नाम आ जाएगा, दैट इज यासिर, ठीक है। कितने पॉइंट्स मिले, 915 इनको क्या मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं। तो इस तरीके से
व्यूअर्स आप अपना कोई भी क्विज बना सकते हो menti.com पर, ठीक है, मेंटीमीटर क्विज पर आप अपने स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को यहां पर लेकर आ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगर मैं इस टाइप के कोई भी ट्यूटोरियल वीडियोस लेकर आऊं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।